हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा का नॉवेल क्योंकि वो बीवियां बदलते थे का पांचवा भाग। लाश डबल बेड के ठीक ऊपर पंखे पर लटकी हुई थी। रेशम की मजबूत रस्सी का एक सिरा पंखे के मोटर के साथ बंधा था, दूसरा फंदा बनकर रमेश की गर्दन में पड़ा था। मगर ना आंखें बाहर निकली हुई थी ना जीभ। साफ जाहिर था कि पंखे पर उसे मारने के बाद लटकाया गया था। फंदे के अलावा गले में एक और डोरी पड़ी थी, जैसे माला पड़ी हो। डोरी के निचले सिरे पर लेडीज कपड़ों को गट्ठर की शक्ल देकर बांधा गया था और वह गट्ठर रमेश के सीने पर लटक रहा था। लाश पूरी तरह नग्न थी। पेट पर स्केच पेन से वी लिखा हुआ था। बेड पर बिछी चादर इस तरह अस्त व्यस्त थी जैसे उस पर कोई पूरी रात सोया हो। सलवटों के बीच कहीं कहीं अस्पष्ट से जूतों के निशान नजर आ रहे थे। मैंने महसूस किया कि बेड की परिक्रमा सी कर रही विवा ने दूसरी चीज़ों के अलावा उन निशानों को भी देख लिया था। कमरे में कई लोगों की मौजूदगी के बावजूद ऐसी खामोशी थी कि हम एक दूसरे की सांसों तक की आवाज़ों को स्पष्ट सुन सकते थे। बाहर से रुदन की आवाज़ें आ रही थीं। वह कुछ महिलाओं का रुदन था। उन्हें मैंने उस वक्त देखा था जब हम लॉबी से गुजरकर इस कमरे की तरफ आ रहे थे। वीणा ने बहुत आहिस्ता से मेरे कान में बताया था कि सबसे ज़्यादा रोने वाली और अभी तक दहशत में नज़र आने वाली रमेश भंसाली की पत्नी है। वीणा वहाँ जर्नलिस्ट की हैसियत से मौजूद थी। उसके गले में कैमरा लटका हुआ था। विवा क्योंकि फ़ोन पर ही उसे अपनी पहचान छुपाए रखने की हिदायत दे चुकी थी, इसलिए उसने विवा से कोई बात करना तो दूर विशेष नज़रों से उसकी तरफ देखा तक नहीं था। अपने कैमरे के साथ वह भी विवा की तरफ ठीक उसी तरह लपकी थी जैसे अन्य जर्नलिस्ट लपके थे। उसी तरह फ़ोटो खींचे थे उसने और उसी तरह चीख चीख कर सवाल किए थे। विवा किसी के भी सवाल का जवाब दिए बगैर इस कमरे में आ गई थी। इस वक्त कमरे में हम तीनों के अलावा गोपाल मराठा, पुलिस फोटोग्राफर और पोस्टमार्टम टीम का चीफ था। सबकी नज़रें विवा जिंदल पर थी। होती भी क्यों नहीं, सबको मालूम जो था कि वह हस्ती विवा जिंदल ही है जिसकी खातिर घटनास्थल को इतनी देर तक ज्यों का त्यों रखा गया था। एकाएक वह गोपाल मराठा की तरफ पलटी। उस वक्त उसकी आंखों में नाश्ती चिंगारियां देकर मैं ही नहीं कमरे में मौजूद हर शख्स चकरा गया था। उसकी आंखें गोपाल मराठा पर स्थिर थीं और उनसे वह उस पर आग सी बरसाती महसूस हो रही थी। किसी की समझ में नहीं आया कि अचानक ही वह मराठा पर इतनी कुपित क्यों हो गई है। सकपकाए से गोपाल मराठा ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला ही था कि विवा ने बहुत ही गुस्से भरे तीखे लहजे में कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया मराठा। जी मैंने, मराठा बुरी तरह चौंका। मैंने क्या किया? मैंने कहा था कि घटनास्थल से छेड़छाड़ न की जाए। मैंने उसका पालन किया है विवा जी। नहीं किया, विवा ने सख्ती के साथ कहा। आप कैसी बातें कर रही हैं, बेड पर नहीं चढ़े तुम? बेड पर तो बैठ का हाथ चढ़ा था लेकिन यह घटनास्थल से छेड़छाड़ नहीं हुई। तुम्हारे जूतों के निशानों ने हत्यारे के जूते के निशानों को मिटा और छुपा दिया है। वे वहाँ उसके द्वारा लाश को पंखे पर टांगते वक्त बने होंगे। ओह, आप ये कहना चाहती हैं? इस बार गोपाल मराठा हौले से मुस्कराया मगर मान गया, आपकी नज़र बहुत पैनी है। आते ही जान गई कि मैं बेड पर चढ़ा था। वही जूते पहने कमरे में खड़े हो और उम्मीद ये करते हो कि मैं इस बात को नहीं जान लूँगी। लहजा अभी भी तीखा था। सॉरी विवा जी, वे अपने जूतों की तरफ देखता बोला, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। क्यों चढ़े बेड पर? मकतूल की गर्दन पर कोई निशान है। फर्श से वे अस्पष्ट नज़र आ रहे थे उन्हें नज़दीक से देखने के लिए। हत्यारे के फुटस्टेप्स की परवाह नहीं की? कि मतलब आपको दिखाने के लिए ये मैंने बेड पर चढ़ने से पहले ही खिंचवा लिया था। कहने के साथ उसने कोट की जेब से एक फ़ोटो निकालकर विवा की तरफ बढ़ा दिया। विवा ने फ़ोटो लिया। मैं और शगुन उसके नज़दीक सरक आए। फ़ोटो में जूतों के निशान काफ़ी स्पष्ट थे। उसे देखने के बाद उसने मराठा की तरफ नज़रें उठाई और बोली, गुड, थैंक यू। मराठा हौले से मुस्कुराया, मगर ये निशान तो तुम्हारी पिछली थ्योरी को ठेंगा दिखाते नज़र आ रहे हैं। वहाँ सैंडल्स के निशान थे या जूतों के? तुम्हारे उस दावे का क्या होगा कि कातिल कोई लड़की है? क्यों, लड़कियां जूते नहीं पहन सकती? बेशक पहन सकती हैं, लेकिन आम तौर पर किसी लड़की के पैर इतने बड़े नहीं होते, विवा ने कहा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जूता 10 नंबर से कम का नहीं है और बिरला हाउस से मिला सैंडल का निशान 6 नंबर से ज़्यादा नहीं था। आप ठीक कह रही हैं, मराठा ने ज़्यादा बहस नहीं की। गर्दन पर कैसे निशान है? हत्या गला दबाकर की गई है और हत्यारा ग्लव्स पहने था। एक बार फिर साबित होता है कि वह मर्द है। वह कैसे? क्या कोई लड़की रमेश भंसाली जैसे कड़ियल नौजवान की हत्या गला दबाकर कर सकती है? आपने शायद गांव की हट्टी कट्टी लड़कियां नहीं देखी। सैंडल्स के निशान वैसे लड़की के नहीं थे जनाब।
मुझे तो लगता है कि बेड पर जूतों के निशान जानबूझकर हमें यानी इन्वेस्टिगेटर्स को भ्रमित करने के लिए छोड़े गए। इस बार उसे बहुत ही दिलचस्प नज़रों से देखती विभा जिंदल ने पूछा, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि निशान बहुत ही स्पष्ट थे, इतने ज़्यादा जैसे हत्यारे ने जानबूझकर बनाए, जबकि उसके यहाँ तक आने के रास्ते में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से जूतों में इतनी मिट्टी लग जाए। ऐसा क्यों करेगा वे? मेरे ख्याल से उसने अखबारों में पढ़ लिया था कि सैंडल्स के निशानों से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हत्या किसी लड़की ने की है, इसलिए इस बार उसने भ्रमित करने के लिए। गुड, वेरी गुड मराठा, वह क्या उठी। और अगर मैं ठीक सोच रहा हूँ तो इस बार पहले से भी ज़्यादा पुरजोर अंदाज में साबित होता है कि हत्या कोई लड़की ही कर रही है। यदि ऐसा ना होता तो उसे हमें भ्रमित करने की यह कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यकीनन तुम्हारे तर्कों में दम है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि कोई लड़की रमेश जैसे नौजवान को गला दबाकर मार सकती है। बेहोश करने के बाद तो गला दबा सकती है, क्या ऐसा हुआ है? मैंने संभावना व्यक्त की। बगैर बेस के संभावना व्यक्त करने से केस हल नहीं हुआ करते, विभा ने कहा। कुछ पता लगा, क्या हुआ था? रात के करीब 2 बजे की बात है, गोपाल मराठा ने बताना शुरू किया। अचानक सुधा की नींद उठती। सुधा, रमेश भंसाली की पत्नी, आगे। उसे लगा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था, अब वह ध्यान से आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद सचमुच पुनः दरवाज़ा खटखटाया गया। सुधा ने पूछा, कौन? दूसरी तरफ से शकुंतला भंसाली की आवाज़ आई, ज़रा दरवाज़ा खोलो बेटा। ये शायद सुधा की सास का नाम है। जी, उसके बाद? सुधा चकराई, इतनी रात को भला उन्हें दरवाज़ा खुलवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? पर उठी, बैठ के दूसरी तरफ पड़ा रमेश खर्राटे लेता रहा। आगे बढ़कर सुधा ने दरवाज़ा खोला ही था कि जैसे आफत टूट पड़ी, कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि कोई उस पर झपटा। चीखने के लिए मुंह खुला लेकिन आवाज़ फिजा में न गूंज सकी, हालांकि मैं घुटकर रह गई। किसी का मजबूत हाथ उसके मुंह पर ढक्कन बनकर चिपक गया था। उसने हमलावर के चंगुल से निकलने के लिए हाथ पैर मारने की कोशिश की, मगर यह कोशिश भी ज़्यादा देर तक नहीं कर सकी। हमलावर ने उसकी कनपट्टी पर वार किया था। सुधा की आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे से ना छुटे, वह बेहोश होती चली गई। होश में आने पर आंख खोलते ही पहली नज़र बेड के ठीक ऊपर लटक रही रमेश की लाश पर पड़ी। कुछ देर तक तो कुछ समझ ही नहीं सकी, किम कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी पड़ी रह गई। और जैसे ही ये समझ में आया कि वह अपने बेड पर है और ठीक ऊपर लटका जिस्म उसके पति का है, तो चीख पड़ी। उछल कर बेड से खड़ी हुई, दौड़ती हुई बाहर निकली। आप समझ ही सकती हैं कि उसे उसकी क्या हालत हुई होगी। उसकी चीखों से बंसाली निवास में भगदड़ मच गई। ये सब सुधा ने बताया? जी। कितने बजे की बात है? करीब 10:30 बजे की। 10:30 बजे? तब तक कोई और इस कमरे में नहीं आया? भैरव सिंह भंसाली का कहना है कि रमेश और सुधा को देर तक सोने की आदत थी, उन्हें कोई जगाता नहीं था, खुद ही उठकर बैटी के लिए बैल बजाते थे जो किचन में बसती थी। देर तक सोने की वजह रात को देर तक जागना, जागने की वजह देर रात पार्टियों से लौटना। इस केस से जुड़े शख्स पार्टियों के रसिया मालूम पड़ते हैं, विभा ने कहा। खैर, भैरव सिंह भंसाली ने और क्या बताया? उस वक्त वे बालकनी में बैठे अखबार पढ़ रहे थे जब सुधा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। दौड़ते हुए यहाँ आए तो शकुंतला भंसाली से पूछताछ की। आपके इंतज़ार में यही सब कर रहा था, घटनास्थल से तो ज़्यादा छेड़छाड़ कर नहीं सकता था, जितनी की वह भी पकड़ी गई। उन्होंने क्या बताया? वे उस वक्त घर में बनाए गए मंदिर में पूजा कर रही थी। रात के 2 बजे इस कमरे का दरवाज़ा खटखटाया था या नहीं? नहीं, यानी हत्यारा आवाज़ बदलने की कला में माहिर है, लगता तो ऐसे ही है, और अपना काम तसल्ली से करने की बीमारी भी है उसे, विभा कहती चली गई। मकतूल के सारे कपड़े उतारना और फिर पेट पर कुछ लिखना, ये सब तसल्ली के काम है, और यहाँ तो उसने हत्या करने के बाद लाश पंखे पर भी लटकाई है। जाहिर है कि सुधा को बेहोश करने के बाद उसने ये सारा काम तसल्ली से किया। पर विभा जी, हत्यारा ऐसा कर क्यों रहा है? गोपाल मराठा ने पूछा। मकतूल के कपड़े क्यों उतारता वह? अगले शिकार की लाश के पास पहुँचाने के लिए, विभा ने कहा। रतन के कपड़े अवंतिका के पास से मिले, और नहीं, अवंतिका के तो नहीं है ये कपड़े। गिरजा प्रसाद बिरला ने बताया था कि लंच के वक्त वह जीन्स और टॉप पहने हुई थी, जबकि ये सलवार कुर्ता है। ये कपड़े किसी और के हैं? हत्यारे के तीसरे शिकार के। तीसरा शिकार? मैं तो रमेश ही है ना? नहीं, ये उसका चौथा शिकार है। तो फिर तीसरा? ये बात मुझे रमेश की लाश ने बताई है कि चांदनी अब इस दुनिया में नहीं रही, हत्यारे की तीसरी शिकार बन चुकी है। कहने के साथ विभा ने बहुत ही गौर से गोपाल मराठा को देखा था। मराठा के चेहरे पर शक पकाने के भाव उभरे थे, कुछ ऐसे ही जैसे धक्का पहुंचाओ, और फिर उन सभी भावों को उसने बहुत तेज़ी से छुपाया। बोला, क्या बात कर रही हैं? मैंने तो सुना है कि उसने यमुना में कूद कर आत्महत्या की है। इस लाश के,
बल्कि लाश के गले में पड़े कपड़ों की जानकारी होने से पहले मेरा ख्याल भी यही था, और सच पूछो तो मैं ये उम्मीद भी कर रही थी कि शायद वह मरी ना हो, जिंदा ही मिल जाए। लेकिन इन कपड़ों के बाद जान चुकी हूँ कि वह इस दुनिया में नहीं है। ऐसा कि आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि ये कपड़े चांदनी के हैं, वही जो यमुना में छलांग लगाते वक्त उसके जिस्म पर थे। अगर उसकी लाश कभी मिली तो अवंतिका के कपड़े उसके पास से मिलेंगे। पर कैसे हो सकता है ऐसा? उसे खुद यमुना में छलांग लगाते कई प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है। ये तो वक्त ही बताएगा कि वह हत्यारे की तीसरी शिकार कैसे बनी, यमुना में खुद कूदी थी या किसी ने मजबूर किया था। कई पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, फिर मराठा ने ही उस सन्नाटे को तोड़ा। पर सवाल फिर वही है बेबा जी, हत्यारा ये सब क्यों कर रहा है? अपने शिकार के कपड़े क्यों उतारता है वह? क्यों उन्हें अपने अगले शिकार के पास छोड़ता है और क्यों उसके पेट पर कुछ ना कुछ लिखता है? इन लिखे हुए शब्दों का मतलब क्या है? उसकी एक और चालाकी दिमाग में नोट कर लूँ, वह क्या? हत्यारा जो स्केच पेन से पेट पर ही अक्षर लिखता है, अपने उस हाथ से नहीं लिखता जिससे स्वाभाविक रूप से काम करता है, बल्कि विपरीत हाथ से लिखता है। कहने का मतलब यह है कि अगर वह राइट हैंडर है तो इन अक्षरों को लिखने में लेफ्ट हैंड का प्रयोग कर रहा है, और यदि लेफ्ट हैंडर है तो राइट हैंड का। ये बात आपने कैसे ताड़ी? लिखावट से। अक्षर फ्लो में लिखे हुए नहीं होते। पर ऐसा वो क्यों कर रहा है? पकड़े जाने पर राइटिंग एक्सपर्ट से बचने के लिए। मैं कहता हूँ उसे अक्षर लिखने की ज़रूरत ही क्या है? वह शायद कोई संदेश देना चाहता है जिसे अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। विभा ने कहा, लाश उतरवाओ। चांदनी के कपड़ों का गट्ठर जब खोला गया तो उसमें एक जोड़ी सैंडल्स भी थी। विभा और मराठा ने उनके तलों को देखा तो देखते ही रह गए। अंततः विभा जिंदल ने कहा, ये लो, हत्यारे ने तुम्हारी हत्यारी की सैंडल्स भी पेश कर दी। गोपाल मराठा कुछ बोला नहीं, वह अभी भी सैंडल्स के तलों को देख रहा था। जबकि विभा ने कहा, क्या तुम्हें इस बात में कोई शक है कि ये सैंडल्स वे हैं जिनके निशान अवंतिका के कमरे में पाए गए थे? यकीनन वे इन्हीं सैंडल्स के थे। तब तो अवंतिका की हत्यारी नहीं, ये सैंडल्स चांदनी की नहीं हो सकती। क्या कहना चाहते हो? चांदनी के कपड़ों के बीच हत्यारे ने अपने सैंडल्स लपेट दिए ताकि हम इन्हें भी चांदनी की समझें। ये तो पता लग जाएगा कि सैंडल्स चांदनी के हैं या नहीं। जब पता लगेगा तब का तब सोचूंगा मैं। जब तक मैं विश्वास नहीं रखती, जो करना होता है कर डालती हूँ। कहने के साथ उसने मोबाइल के बटन दबाए। किसे फ़ोन मिला रही हैं? विभा जिंदल ने उसके सवाल का जवाब देने की जगह मोबाइल पर कहा, क्या तुमने चांदनी के सैंडल्स पर ध्यान दिया था? दूसरी तरफ से शायद सकारात्मक जवाब दिया गया, तभी तो विभा का दूसरा सवाल था, कैसे थे वे? उस तरफ से बताया जाने लगा। विभा बार बार सैंडल्स को देख रही थी, शायद वह दूसरी तरफ से बताए जाने वाले शब्दों का मिलान कर रही थी। मेरी और शगुन की नज़रें मिली। हम समझ चुके थे कि वह वीणा से बात कर रही है। वह काफ़ी देर तक हूँ हाँ करती रही, और वही करते करते मैंने उसकी आंखों में वही चमक देखी, वही जो उसकी आंखों में केवल तब उभरती है जब उसे कोई मार्के की बात पता लगती है। संबंध विच्छेद करते वक्त उसके चेहरे पर परम संतुष्टि के ऐसे भाव थे जैसे मलाई से भरा कटोरा चाटने के बाद बिल्ली के चेहरे पर होते। मोबाइल जेब में रखते वक्त उसने बहुत ही खास नज़रों से गोपाल मराठा की तरफ देखा था, जबकि मराठा के चेहरे पर उसकी एक्टिविटीज़ को देखकर परम हैरत के भाव थे, जैसे समझ ना पा रहा हो कि वह उसकी तरफ इस तरह क्यों देख रही है। पहला मौका मिलते ही उसने पूछा, किससे बात की आपने? एक ऐसे प्रत्यक्षदर्शी से जिसने चांदनी को यमुना में कूदते देखा था, और उसके मुताबिक ये सैंडल्स चांदनी के ही हैं। तब तो मुझे अपना विचार बदलना पड़ेगा। कौन सा विचार? कि हत्यारी कोई लड़की? क्यों, चांदनी क्यों नहीं हो सकती? मैंने कहा ना, अचानक वह उत्तेजित नजर आने लगा, वह नहीं हो सकती, वह ये सब कर ही नहीं सकती। अवंतिका के घर में इन्हीं सैंडल्स के इतने स्पष्ट निशान मिले, उन्हीं के बेस पर तुम बार बार दावा कर रहे थे कि हत्यारी वही सैंडल वाली लड़की है, तो फिर अब ये कैसे कह रहे हो कि वह चांदनी नहीं हो सकती? उसका नाम आते ही तुम्हारा ख्याल कैसे बदल गया? निशानों से सिर्फ ये साबित होता है कि वह वहाँ गई थी। चांदनी अगर गई भी होगी तो किसी और कारण से गई होगी। आप यकीन कीजिए मेरा, वह किसी हालत में हत्यारी नहीं हो सकती। मैं कारण पूछ रही हूँ, कारण तो आप खुद ही बता चुकी हैं। भला वह कातिल कैसे हो सकती है जिसका खुद ही कत्ल हो चुका है? बड़े शानदार ढंग से हुआ है कत्ल, ऐसा कि जो पहले आत्महत्या नजर आया। केवल ये कपड़े इंगित करते हैं कि चांदनी का कत्ल हो गया, लाश नहीं मिली अभी तक, और जब तक लाश ना मिल जाए तब तक कानून किसी को मरा नहीं मानता। कहना क्या चाहती हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हत्याएं वही कर रही हो और अपने कत्ल का ये सारा ड्रामा ये सोचकर खुद उसी ने रचाओ कि इस तरह हमेशा के लिए सबके संदेह के दायरे से बाहर निकल जाएगी? सब वही सोचेंगे जो तुम सोच रहे हो, ये कि जो खुद कत्ल हुई है वह कातिल हो ही नहीं सकती। खुद को बचाए रखने का यह नायाब तरीका है। नहीं बेवाजी, ऐसा नहीं हो सकता।
मैंने पूछा, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबके संदेह के दायरे से बाहर रहने का ऐसा नायाब तरीका आपके दिमाग में आ सकता, लेकिन चांदनी के दिमाग में नहीं आ सकता। वह एक सीधी साधी लड़की है। बड़ी पैरवी कर रहे हो चांदनी की? ऐसा कहने के साथ विवाह जिंदल ने उसे चुपती नज़रों से देखा। वह सक पकाया, संभल कर बोला, मैं पैरवी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बता रहा हूँ कि वह इतनी तेज़ लड़की नहीं है। कैसे जानते हो? मराठा चुप, सन्नाटे में से आगे लगता था। विवाह लगातार चुपते अंदाज से उसकी आंखों में झांक रही थी, फिर एक एक शब्द को जमाती बोली, इसलिए ना, क्योंकि वह तुम्हारी बहन है, एकदम सगी बहन। हम बुरी तरह चौंक पड़े। मराठा के चेहरे पर तो जैसे भूकंप ने कब्जा जमा लिया। हैरत का सागर उमड़ा पड़ रहा था उस पर। साफ नज़र आ रहा था कि वह जाने क्या क्या कहना चाहता है, लेकिन उत्तेजना की ज़ाब्ती के कारण मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पा रहा था। रंगे हाथों पकड़े गए चोर जैसी हालत हो गई थी उसकी। विभा को यूं देखता रह गया था जैसे मिस्र के पिरामिडों को देख रहा हो, जैसे हिरन अचानक सिंगरी के सामने फंस गया हो। बोलो, महामाया ने पूछा, चांदनी तुम्हारी बहन है ना? वह बड़ी मुश्किल से पूछ सका। आपको कैसे पता? पहले ये बताओ, इस बात को छुपा क्यों रहे थे? पापा ने अपनी कसम दी थी। क्यों? क्योंकि उसने घर से भागकर शादी की थी। उन दिनों मैं ट्रेनिंग पर था, ना उनकी मोहब्बत के बारे में पता लगा, ना शादी के बारे में। पापा ने बताना मुनासिब नहीं समझा था। मुझे तो झटका तब लगा जब ट्रेनिंग पूरी करके घर पहुंचा। यह कहकर पापा को समझाने की कोशिश की कि उन्हें इस बात को इतनी बड़ी करके नहीं लेना चाहिए। उनके ज़माने में लव मैरिज करना भले ही अपराध रहा हो, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। वे मुझी पर भड़क गए, कहने लगे कि चांदनी ने यदि लव मैरिज भी की होती तो शायद वे माफ़ कर देते, लेकिन उसने तो घर से भागकर शादी की है। उसके इस गुनाह को वे माफ़ नहीं कर सकते। चांदनी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया उन्होंने। ये मान लिया कि वह मर चुकी है, बल्कि उनकी कभी कोई बेटी पैदा ही नहीं हुई थी। उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि अगर मैंने चांदनी से कभी कोई रिश्ता रखा या जीवन के किसी मोड़ पर किसी को ये बताया भी कि वह मेरी बहन है, तो वे मुझसे भी हमेशा के लिए नाता तोड़ लेंगे, मरा मान लेंगे, मुझे भी सोच लेंगे कि उनकी कभी कोई औलाद हुई नहीं थी। ये सब उसने इतने उत्तेजनात्मक अंदाज में कहा था कि काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोल सका। काफ़ी लंबी खामोशी के बाद विवाह बोली, तुम्हारे पिता यानी कामता प्रसाद फरीदाबाद में रहते हैं ना? हाँ, पर आपको इतना सब कैसे मालूम? कब से नहीं गए फरीदाबाद? 1 महीने से, फुर्सत ही नहीं मिली, इसलिए तुम्हें उनके साथ हुए हादसे के बारे में पता नहीं लगा। हादसा? वह चौंका, उनके साथ क्या हादसा हो गया? उन्हें किडनैप कर लिया गया था, विवाह जिंदल एक ही सांस में कह गई, और किडनैप करने वाले थे इसी शख्स के लोग जिसके कातिल की तुम खोज करने की कोशिश कर रहे हो। ये आप क्या कह रही हैं? मारे हैरत को इसका बुरा हाल हो गया। भला इसका उनसे क्या मतलब? जवाब में विवाह चांदनी के हमारे घर आने के अलावा सब कुछ बताती चली गई। ये भी कि उसने वीणा को उसके पीछे क्यों लगाया था, और उसके पिता का नाम कुछ देर पहले वीणा नहीं बताया। सुनते सुनते आश्चर्य के कारण जहाँ उसका बुरा हाल हो गया था, वहीं विवाह के चुप होने पर उत्तेजना की ज़ाती के कारण बुरी तरह कांपने लगा। उसके मुंह से लफ्ज़ नहीं, अंगारे निकल रहे थे। नहीं छोड़ूंगा, अपने पिता का वो हाल करने वालों को और अपनी बहन को इस कदर मजबूर करने वालों को मैं किसी हालत में ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। एक एक को चीर फाड़ कर सुखा दूंगा। किसका क्या करोगे तुम? जिसने ये दोनों काम किए थे वह तो पहले ही मरा पड़ा, अब तो सिर्फ इसके प्यादे बाकी हैं। किराए के उन टट्टुओं की लाशें बिछाकर तुम्हें मिलेगा भी क्या? आप ये जानने के बावजूद चांदनी को हत्यारा कह रही थी कि उसे ये हरामजादा किस कदर कठपुतली बनाकर नचा रहा था? अभी तो यही क्लियर नहीं है कि चांदनी ने ब्लैकमेल होकर खुद के रतन की हत्या के इल्ज़ाम में फंसाया या डायरी में झूठ लिखा। छंगा बुरा साले झूठ बोल रहे होंगे। मराठा अब भी उत्तेजित अवस्था में, उनसे सच उकलवाना होगा। उनके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। मैंने पूछा, तो क्या तुम अब भी यही कहना चाहती हो विवाह, कि अपनी हत्या का यह ड्रामा खुद चांदनी ने ही रचा है? हालांकि मराठा के इस तर्क में वजन है कि खुद को सबके संदेह के दायरे से दूर रखने का इतना नायाब तरीका मुझ जैसी लेडी के दिमाग में तो आ सकता है जो क्राइम की बारीक जानकारी रखती है, लेकिन चांदनी के जहन में नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी मराठा ने पूछा, एक इन्वेस्टिगेटर के नाते मैं किसी को भी संदेह के दायरे से बाहर नहीं रख सकती। चांदनी की लाश मिलने से पहले तो हरगिज़ नहीं। पता नहीं कौन छुपा रिश्तम निकाला है, पर एक बात तय है। वह क्या? तुम्हारे इस पत्थर की मेहरबानी में इस बार मैं काफ़ी दिलचस्प मामले में फंसी हूँ। किस्सा ही समझ में आकर नहीं दे रहा। पहले रतन, फिर अवंतिका, चांदनी को बीच में से निकाल भी दिया जाए तो फिर रमेश, क्यों हो रही हैं ये हत्याएं? वह चांदनी हो या कोई और, क्यों एक एक करके सबको मार रहा है? इतना तो तय है विवाह जी के मरने वालों का आपस में कोई संबंध है, मराठा ने कहा। इन लोगों के साथ अतीत में कोई ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से ये हत्याएं हो रही हैं।
जहाँ तक संबंधों की बात है, रतन अवंतिका तो पति पत्नी है, पति पत्नी ही थे। चांदनी को भी मरी मान लिया जाए तो ये भी सभी जानते हैं कि बजाज और बिरला परिवार पूर्व परिचित हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि भंसाली परिवार का भी कोई मेंबर बिरला या बजाज परिवार के किसी मेंबर का परिचित था या नहीं। इस बारे में तो इसी परिवार के लोग बता सकते हैं। तभी तो मेरा कहना यह है कि यहाँ खड़े रहकर अब समय हम समय बर्बाद कर रहे हैं। बेबा बोली, हमें उनसे बात करनी चाहिए। 4 दिसंबर की रात को तुम लोग कहाँ थे? बेबा जिंदल ने जब सुधा भंसाली से यह पूछा तो सुधा ने इस तरह और इतनी तत्परता से जवाब दिया जैसे उसे पहले से ही मालूम था कि यह सवाल किया जाएगा, और ये भी पहले ही सोचे हुए थे कि जवाब क्या देना। जवाब था, धीरज के आउट हाउस पर बजे उसने पार्टी रखी थी। कैसी पार्टी? कैसी पार्टी से क्या मतलब? वह थोड़ी सा पकाई। मेरा मतलब कोई विशेष ओकेज़न था, जैसे धीरज या उसकी पत्नी का बर्थडे अथवा मैरिज एनिवर्सरी या कुछ और। आप उसे छोटा सा गेट टुगेदर कह सकती हैं। कौन कौन शामिल थे? मैं, रमेश, धीरज, किरण, धीरज की मिसेस और अशोक, और बस केवल 5 लोग। वह 3 कपल्स का गेट टुगेदर था, लेकिन अशोक अकेला आया था। चांदनी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आई। तुम्हें अच्छी तरह याद है कि चांदनी नहीं आई थी? इस सवाल के साथ विवाह ने उसकी आंखों में झांका। अजीब बात कर रही हैं आप, कहते वक्त उसके चेहरे पर हल्की सी सफेदी थी, मगर अपनी बात पूरी मजबूती से कहने की कोशिश की। इतने कम लोगों के गेट टुगेदर में क्या मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम नहीं होगी? रतन और अवंतिका बिरला को जानती हो? केवल इतना कि वे भी हमारी तरह देश के एक प्रसिद्ध घराने के बेटे बहू हैं। अखबारों में पढ़ा है कि उनकी हत्या भी लगभग उसी तरह हुई है जैसे रमेश, उसकी आवाज़ भर्रा गई। वे 4 दिसंबर के गेट टुगेदर में नहीं थे? अरे, उसने एक बार फिर हैरत प्रकट की। मैंने बताया कि हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी, फिर वे संजय कपाड़ी और मंजू कपाड़िया, ये कौन हुए? क्या तुम नहीं जानती कि वे भी तुम्हारी ही तरह देश के एक प्रसिद्ध घराने के बेटे बहू हैं? नहीं, मैंने उनका नाम नहीं सुना। क्या हुआ था वहाँ? ऐसे गेट टुगेदर में होता ही क्या? वह बहुत संभल कर जवाब दे रही थी। खाना पीना, तंबोला और डांस आदि, ये सब कितने बजे तक चला? 2 बजे तक। उसके बाद तुम लोग घर लौट आए? और कहाँ जाते? अशोक साथ ही निकला था या कुछ पहले निकल गया था? 20-25 मिनट पहले निकला था। बजे चांदनी का फ़ोन आया था। क्या कहा था उसने? सुना तो नहीं था हमने, अशोक ने ही बताया था कि चांदनी ने जल्दी आने को कहा है, सो मैं निकल रहा हूँ। चांदनी ने उसे कहाँ बुलाया था? कहाँ बुलाने से क्या मतलब, घर ही बुलाया होगा। बकौल अशोक, उस रात उसने तुम लोगों से झूठ बोला था। चांदनी के पार्टी में ना आने की वजह उसकी तबीयत खराब होना नहीं, बल्कि अपने पिता से मिलने फरीदाबाद जाने की। वहाँ से लौटते वक्त उसने अशोक को आश्रम चौक पर बुलाया था। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है, और यह सुनकर भी चांदनी अपने पापा से मिलने गई थी। कारण? उसके पापा तो उससे रिश्ता ही तोड़ चुके थे। यानी तुम इस बात को जानती हो? सभी दोस्त जानते हैं। तब तो उसके पापा का नाम भी पता होगा। हाँ, उनका नाम कामता प्रसाद है। उस रात कामता प्रसाद से फ़ोन पर रमेश की बात हुई थी। रमेश की बात कामता प्रसाद से? सुधा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही चौंक पड़ी। ये क्या कह रही हैं आप? रमेश भला कामता प्रसाद से बात क्यों करेंगे? उनका मतलब ही क्या हुआ उनसे? मेरे ख्याल से तो हम में से कोई कभी उनसे मिला तक नहीं था। चांदनी के पापा के रूप में बस नाम भर सुना था उनका। पार्टी के दरमियान तुम बराबर रमेश के साथ थी? हाँ, एक मिनट के लिए भी जुदा नहीं हुई। जुदा होने से मतलब? थोड़ी बहुत देर के लिए रमेश पार्टी छोड़कर कहीं गया हो। हाँ, गए तो थे, लेकिन मुश्किल से 1.5 घंटे में लौट पापा वापस आ गए थे। कहाँ गया था? उनके मोबाइल पर कोई फ़ोन आया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि नारायणा स्थित फैक्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करके फ़ौरन आ रहे हैं, तब तक हम लोग इन्जॉय करें। ऐसा कहकर वह चला गया। जी, कितने बजे की बात है ये? करीब 11 बजे की। 12:15 बजे लौटा, करीब, और सारी गड़बड़ इसी बीच हुई। कैसी गड़बड़? बब्बन, शब्बन और शूरमा को तो जानते होंगे आप। विवाह एकाएक उसी कमरे में मौजूद भैरव सिंह भंसाली से मुखातिब हुई। अचानक ही अपने से किए गए सवाल के कारण भैरव सिंह भंसाली हड़बड़ा से गए। कौन बब्बन, शब्बन और शूरमा? आपकी फरीदाबाद वाली फैक्ट्री के वर्कर। ओह, अच्छा, आप उनकी बात कर रही हैं। जैसे अचानक ही उनका दिमाग वहाँ पहुँचा, लेकिन उनका जिक्र यहाँ? इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। क्यों, क्या कर दिया उन्होंने? 4 दिसंबर की रात को उन्होंने कामता प्रसाद को किडनैप किया था। वही कामता प्रसाद जिनका अभी जिक्र चल रहा था। चांदनी के पिता? जी, पर उनका उनसे क्या मतलब? उनसे ऐसा करने के लिए आपके बेटे ने फ़ोन पर कहा था। क्या बात कर रही हैं आप? भैरव सिंह भंसाली ने पहले वहीं मौजूद उनकी मैसेज क्या उठी। हमारा बेटा भला ऐसा क्यों कराएगा? सुधा ने अभी अभी कहा।
उसका कामता प्रसाद से इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। विवा जिंदल ने उनकी बात काटते हुए कहा, हमारे पास उन तीनों के बयान भी हैं और उनका वह मोबाइल भी जिसमें रमेश द्वारा की गई कॉल्स का विवरण है। कामता प्रसाद का कहना यह है कि उन तीनों ने उसी मोबाइल पर उनकी बात रमेश से कराई, रमेश ने चांदनी से। चांदनी से? उनके मुताबिक चांदनी से उनकी बात केवल इसलिए कराई गई थी ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसके पापा इस वक्त रमेश के आदमियों की गिरफ्त में, उन्हें मार डालने की धमकी देकर शायद वह उससे कोई काम निकालना चाहता था। पर अभी अभी तो आपने कहा कि चांदनी अपने पापा से, ये बात उसने अशोक से कही थी लेकिन वास्तव में वहाँ नहीं गई, ठीक उसी तरह जैसे रमेश ने सुधा से नारायणा वाली फैक्ट्री पर जाने के लिए कहा लेकिन वहाँ नहीं गया। तो फिर कहाँ गया था? इस बारे में तो खैर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि कामता प्रसाद द्वारा बताई गई घटना घटी है और उसी टाइम के बीच घटी है जितने टाइम रमेश पार्टी से गायब रहा। उसने अपनी पत्नी से झूठ बोला, चांदनी ने पति से, मतलब दोनों कहीं मिले और उनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण रमेश को चांदनी से अपनी कोई बात मनवाने के लिए उस पर प्रेशर डालना पड़ा। वह प्रेशर उसने उसके पिता को किडनैप करके डाला और हमें यह पता है कि उसने चांदनी पर प्रेशर डालकर क्या करवाया। रोज भरे लहजे में गोपाल मराठा क्या होता क्या करवाया, मारे हैरत के बंसाली का बुरा हाल था। और फिर गोपाल मराठा को कोई रोक नहीं सका, विवा भी नहीं, गुस्से और जुनून में फंसा वह सब कुछ बताता चला गया। सुनते सुनते इन तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया था। चेहरों पर सिर्फ और सिर्फ हैरत और अविश्वास के भाव एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे थे। मराठा के चुप होने के बाद कमरे में काफ़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर टूटे से भंसाली बोले, अब हमारे बेटे पर चाहे जो चार्ज लगाता रहे, वह बेचारा तो अपना पक्ष रखने आने से रहा। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि बकौल सुधा जिस रतन बिरला को ये लोग जानते तक नहीं थे, उसकी लाश लेकर वह चांदनी को छंगा बूरा के पास क्यों भेजेगा, क्यों उसकी हत्या के जुर्म में चांदनी को फंसाने की कोशिश करेगा। और फिर बाद में रमेश ने चांदनी से वह डायरी क्यों लिखवाई जिसमें बकौल आपके उसने झूठ मूठ खुद की रतन और अवंतिका की नहीं बल्कि छंगा बूरा की मौत का भी दोषी बताया। हज़ार सवालों का एक सवाल यह है कि अगर ये सब सच है, सारा दोष हमारे बेटे का ही था, तो उसकी हत्या किसने कर दी और वह करीब करीब उसी ढंग से क्यों की गई जिस ढंग से अवंतिका और रतन की गई है। निश्चित रूप से आपका अंतिम सवाल लाख रुपए का है और इसका जवाब यह है कि शायद रमेश भी किसी वजह से किसी के प्रेशर में था, ठीक उसी तरह जिस तरह चांदनी रमेश के प्रेशर में थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि चांदनी से जो काम लिया गया उससे वह काम लेने के लिए हत्यारा खुद सामने नहीं आया, बल्कि इसके लिए उसने रमेश का इस्तेमाल किया। और जब उसे लगा कि हम रमेश तक पहुंचने वाले तथा उसके ज़रिए उस तक भी पहुंच सकते हैं, तो उसने इस कड़ी को ही ख़त्म कर दिया, यानी रमेश की हत्या कर दी। भैरव सिंह भंसाली के चेहरे पर थोड़ी राहत के भाव आए। आपके द्वारा उठाए गए बाकी सवाल भी बेहतरीन है, विवा कहती चली गई। वही सवाल हमारे दिमागों में भी घुमड़ रहे हैं, अगर अभी तक हमें उनके जवाब नहीं मिले तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस किस्से से जुड़े ज़्यादातर लोग झूठ बोल रहे हैं। उन्हीं झूठों में आपकी ये बहू सुधा भंसाली भी शामिल है। मैंने सुधा तमक उठी, मैंने क्या झूठ बोला? ये कि तुम रतन और अवंतिका बिरला को नहीं जानती। अरे इसमें भला क्या झूठ हो गया, तीन हत्याएं एक ही तरीके से हुई, मतलब उनका कातिल भी एक है और कत्ल की वजह भी एक, सो जाहिर है कि मरने वाले तीनों लोगों का आपस में कोई ना कोई संबंध ज़रूर रहा होगा। भैरव सिंह भंसाली चुप। इसमें कोई शक नहीं कि चांदनी रतन की लाश को चंगा बूरा के पास रमेश के प्रेशर में ले गई थी। क्या इससे साबित नहीं होता कि रतन बिरला का रमेश से कोई ना कोई संबंध ज़रूर था? भैरव सिंह भंसाली अब भी चुप। और आपकी ये बहुरानी कह रही है कि रतन और अवंतिका बिरला से इनका कोई संबंध नहीं था। हो सकता है रमेश का कोई संबंध रहा हो, सुधा अपनी जान बचाती नजर आई, मगर मेरी नॉलेज में वह नहीं था। मैं ये नहीं मान सकती, पति पत्नी को एक दूसरे का अधिकांश परिचितों की जानकारी होती है, वे केवल उन संबंधों को आपस में शेयर नहीं कर पाते जिन्हें अवैध संबंध कहा जा सकता है। मेरा बेटा किसी से अवैध संबंध बनाने वाला नहीं था, मिसेज भंसाली की मुंह से माँ की ममता बोली। अर्थात रमेश का रतन और अवंतिका बिरला से जो भी संबंध था, सुधा को उसकी जानकारी है लेकिन यह बता नहीं रही। सुधा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती नजर आने लगी। बता दे बेटा, मिसेज भंसाली ने सुधा से कहा, अगर तुझे कुछ मालूम है तो बता दे, उससे रमेश के हत्यारे को ढूंढने में इन लोगों को मदद ही मिलेगी। क्या बता दूँ माँ जी, वह रोने को तैयार हो गई। जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं तो क्या बता दूँ? यही तो, विभा ने कहा, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि इस किस्से से जुड़े लोग लगातार झूठ क्यों बोल रहे हैं। और किसने झूठ बोला? भैरव सिंह भंसाली ने पूछा। संजय कपाड़िया झूठ बोल रहा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसकी कार गुलमोहर से नहीं चुराई गई। उसे इस केस से किस आधार पर जोड़ रही हैं आप? संजय और रतन दोस्त थे। एक दोस्त की लाश ठिकाने लगाने के लिए दूसरे दोस्त की गाड़ी चुराई गई।
ये कोई ज़्यादा ही बड़ा संयोग है, इतना बड़ा कि मुझसे हजम नहीं हो रहा। ओह, अवंतिका ने तो हैरत अंगेज झूठ बोला। मेरे ख्याल से उसकी स्थिति भी रमेश से अलग नहीं थी। शायद वह भी हत्यारे द्वारा ब्लैकमेल होने के कारण ही झूठी रिपोर्ट लिखवाने के लिए बाध्य हुई, वरना कोई यूं ही थाने में जाकर यह गलत बयानी नहीं कर देगी कि उसका पति उसके साथ था और उसे फलां हुलिये के गुंडों ने किडनैप किया। उसे भी रमेश की तरह ठीक उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब हम उस तक पहुंचने वाले थे। मतलब जैसे ही हत्यारे को लगता है कि हम फलां के ज़रिए उस तक पहुंचने वाले हैं, वह तुरंत उसे ख़त्म कर देता है। पर आप मुझे इस कड़ी से क्यों जोड़ रही हैं? संजय यह साबित नहीं कर पा रहा है कि 4 दिसंबर की रात को वह अपनी पत्नी के साथ कहाँ था, इसलिए मुझे डाउट है कि वह भी तुम्हारे गेट टुगेदर में ही थे। जबकि तुम बड़ी अजीब बात कर रही हैं आप, दिल्ली इतना बड़ा शहर है, जो कोई ये साबित नहीं कर पाएगा कि 4 दिसंबर की रात को वह कहाँ था, उसे हमारे गेट टुगेदर में शामिल मान लेंगे। बेस अपराध में इस्तेमाल हुई उसकी गाड़ी है। इस बार सुधा कुछ बोली नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो सुधा, विवाह जैसे उसे तोड़ डालना चाहती थी। मुझे लगता है कि तुम्हारा पूरा ग्रुप किसी से ब्लैकमेल हो रहा है, मुमकिन है तुम्हारी स्थिति भी यही हो। अगर ऐसा है तो डरो मत, हमें खुलकर बताओ क्या बात है। यहाँ कोई भी बाहर का आदमी नहीं है, जो कहोगी इसी कमरे तक सीमित रहेगा। पता नहीं आप क्या कहे चली जा रही हैं, वह अजीब सी बौखलाहट भरी अवस्था में क्या उठी। मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हो रही, किसी का कोई प्रेशर नहीं है मुझ पर। मैं आपको जो भी बता रही हूँ अपने संज्ञान के मुताबिक सच बता रही हूँ। विभा ऐसी मुद्रा में नजर आई जैसे अफसोस होगी सुधा सच क्यों नहीं बोल रही। उस मुद्रा में कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वातावरण में गायत्री मंत्र का जाप गूंज उठा। उसने कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया, दूसरी दफ वाले की बात सुनी और इतना ही कहा। ओह, दूसरी दफ से पुनः कुछ कहा गया। जी, मैं वहीं पहुंच रही हूं। कहने के बाद उसने मोबाइल वापस जेब में रखा और बोली, आओ मराठा। कहाँ? गोपाल मराठा ने पूछा। एक लाश मिली, कहने के साथ वह दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तुम्हें शिनाख्त करनी होगी। यमुना के सूखे रेत पर पड़ी थी वह, पूरी तरह नग्न, कुरूप अवस्था में। सिर पर किसी घातक चोट का निशान था। जगह जगह से उसके गोश्त को मांसाहारी मछलियों ने खा रखा था, इस कदर की कई जगह से तो हड्डियां भी चमक रही थी। गले में रेशम की वैसी डोरी की माला थी जैसी रमेश के गले में पाई गई थी, और विवाह के अनुमान के मुताबिक उसमें अवंतिका के कपड़े बंधे थे। पेट का कुछ हिस्सा भी मछलियाँ खा चुकी थी। विवाह के कहने पर गोताखोरों ने उसके बचे खुचे पेट से रेत साफ किया तो उस पर स्केच पेन से लिखा केवल बी अक्षर पढ़ा जा सका। यह पता नहीं लग पा रहा था कि बी के आगे पीछे भी कुछ लिखा है या नहीं, क्योंकि मछलियों ने वहाँ का गोश्त भी कुतर डाला था। हालांकि वह दिल्ली से बाहर का खादर वाला इलाका था, इसके बावजूद काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। पुलिस भीड़ को लाश से दूरी रखे हुए थी। रास्ते से विवाह ने अशोक और मणिशंकर बजाज को भी फ़ोन कर दिया था, लिहाजा हमारे कुछ ही देर बाद वे भी पहुँच गए। उन्हें देखते ही गोपाल मराठा की आंखों में ऐसी चिंगारियां सी नाची थीं जैसे उन्हीं को अपनी बहन का हत्यारा समझ रहा हो। उसके जबड़ों के मसल्स फूलने पर चकने लगे थे। विभा ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा और इस तरह दबाया जैसे भावनाओं पर काबू रखने के लिए कहा हो। लाश को देखते ही अशोक और मणिशंकर की आंखें भी भर आईं। गोपाल मराठा की आंखों में तो पहले ही आंसू थे। मैंने महसूस किया कि शगुन की आंखें भी नम थीं। विभा ने उसी से कहा, तुमने ठीक कहा था शगुन। शायद वह इतनी अच्छी तैराक थी कि डूबने से नहीं मर सकती थी। फिर शगुन के मुँह से यही एक शब्द निकला। लाश बता रही है कि ये डूबने से नहीं मरी, ऐसा हुआ होता तो बॉडी में पानी भरा हुआ होता, जो कि नहीं है। सिर पर लगी चोट को देखो, मेरा ख्याल है कि यमुना में कूदते ही इसका सिर पानी में छुपे किसी पत्थर से टकराया और तत्काल मर गई। अपनी तैराकी का कर्तव्य दिखाने का बेचारी को मौका ही नहीं मिला। ऐसा भी तो हो सकता है कि पत्थर किसी ने मारा हो, यानी हत्या की गई हो। कपड़ों का गायब होना, पेट पर लिखा, नहीं ऐसा नहीं है, विभा ने जोर देकर कहा। जख्म बता रहा है कि पत्थर सिर से आकर नहीं लगा बल्कि सिर पत्थर पर जाकर लगा। मरी तो वह दुर्घटनावश ही है। फिर कपड़े और लाश की स्थिति यह भी बता रही है कि मरने के बाद ही हत्यारे के हाथ लगी। तब उसने इसके कपड़े उतारे और पेट पर यह लिखा। पर जब उसने इसकी हत्या नहीं की तो फिर ऐसा किसी खास कारण से, शायद वह इसकी मौत को भी वर्तमान केस में हो रही हत्याओं की कड़ी साबित करना चाहता है, इसलिए इस हालत में करके पुनः यमुना के हवाले कर दिया। ये तो उसे मालूम ही था कि इसकी खोज किस स्तर पर की जा रही है, अतः हत्यारा जानता होगा कि लाश लोगों के सामने तो आ ही जाएगी। मुझे अपनी फ्रेंड के संत का बहुत दुख है आंटी, तुमसे ज़्यादा शायद विराट को होगा। क्योंकि इतना कहने के बाद विवाह ने एक ठंडी सांस ली, फिर आगे बोली, वह मुझे बता चुका था कि इग्नू में पढ़ाई के दरमियान ये भावनात्मक रूप से उसके काफ़ी करीब आ गई थी। उसी तरह जैसे LLB के दरमियान वेद मेरे नज़दीक आया तो विराट ने मुझे बताया था कि जैसे कभी मैंने वेद को समझाया था उसी तरह विराट ने इसे समझाया था।
शगुन खामोश रहा। कुछ देर बाद विवाह ने जब मराठा को शिनाख्त करने का इशारा किया तो खुद को रोने से रोकने की कोशिश करता बोला, जब केवल 5 साल की थी तो पापा इसे उछाल उछाल कर खेल रहे थे। उस वक्त इसकी बाई एड़ी सीलिंग फैन से टकराकर कट गई थी। बहुत खून बहा था, ना कभी कटे हुए का निशान जा सका ना दर्द। इतनी बड़ी होने के बाद भी उसमें दर्द की शिकायत करती थी। दर्द ने तो खैर अब पीछा छोड़ दिया होगा, लेकिन निशान बाकी होगा। आप खुद ही देख लीजिए, अगर निशान है तो वही है, नहीं है तो नहीं। विभा ने जिद नहीं की, खुद आगे बढ़ी, उसके पैरों के नज़दीक बैठी, एक ही नज़र में बाई एड़ी को देखा और उठकर खड़ी हो गई। फिर वह अशोक के पास पहुंची, उससे कहा, तुम भी अपनी नज़र से शिनाख्त कर लो। चांदनी की पीठ पर बहुत बड़ा मस्सा था, उसने कहा। लाश क्योंकि चित्तावस्था में पड़ी थी, अतः उस पोजीशन में मस्से को नहीं देखा जा सकता था। विभा ने गोताखोरों से उसे पलटने के लिए कहा, वैसा होते ही काफ़ी बड़ा मस्सा सबको नज़र आ गया। अशोक फूट फूट कर रो पड़ा। मराठा, विभा ने कहा, अपने पापा को बुलाना चाहोगे? मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वे नहीं आएंगे, उनके लिए तो ये बहुत पहले ही मर चुकी है, कहकर वह भी फूट पड़ा। उसी रात बड़ी अजीब घटना घटी, हत्यारे के अजीमोशान दुस्साहस से भरी घटना। वह इस केस के कातिल का इतना बड़ा और ज़बरदस्त दुस्साहस था कि क्रिमिनल्स की दिलेरियों से लबरेज उपन्यास लिखने वाला मैं भी शायद वैसी दिलेरी की कल्पना नहीं कर सकता था। इस कहानी का भागम भाग में शायद अभी तक मैं ये भी नहीं बता पाया हूँ कि दिल्ली में हम लोग होटल महाराजा में ठहरे थे। अब बताना ज़रूरी हो गया, कारण ये है कि घटना घटी महाराजा में थी, बल्कि मेरे और शगुन के सूट में। अगल बगल के 2 सूट लिए थे हमने, एक में विवाह थी, दूसरे में मैं और शगुन। उस वक्त 2 बचपन हुए थे जब मेरी नींद उछटी। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, एक बार सोने के बाद मेरी नींद 6 घंटे बाद ही खुलती है। हाँ, एक खूबी ये भी है कि कमरे में अगर ज़रा भी आहट होगी तो उछट जाएगी, इसलिए नींद उछटते ही मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं वह आहट ज़रूर हुई होगी जिसने मेरे अवचेतन मस्तिष्क पर चोट की है। उस आहट की खोज में कान खड़े किए बेड पर पड़े पड़े आँखों के कमरे का अवलोकन किया। नाइट बल्ब की रोशनी सहायक थी। कानों में शावर चलने की आवाज़ आई, आँखें स्वाभाविक रूप से उधर घूम गईं और हल्की सी झिर्री ने बताया कि बाथरूम की लाइट ऑन है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह शारकत शगुन की है। वह बाथरूम क्या होगा, लाइट खुली छोड़कर फिर जाकर सो गया। तभी दिमाग में सवाल कौंधा, शावर भी तो खुला पड़ा है, रात के इस वक्त उसका इस्तेमाल क्यों किया होगा शगुन ने। फिर सोचा, मुमकिन है पट्टे को रात के इस वक्त नहाने की सूझ गई हो। हालांकि सर्दियों की रात में वैसा होना नहीं चाहिए था, किंतु नई जनरेशन के बारे में कब कोई क्या दावा कर सकता है, कोई और तो आ ही नहीं सकता था कमरे में। सो ये सोचता हुआ उठा कि नहाया भी था तो लाइट और शावर तो बंद कर देता। सामान्य चाल से चलता मैं बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा, उसे खोला और खोलते ही हलक से चीख निकल गई। मेरी आंखें विस्फोरित अंदाज में फैली हुई थी क्योंकि उनके सामने एक लाश पड़ी थी। पहली नज़र में मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं देख पाया। शगुन, शगुन, चीखता हुआ वापस बेड की तरफ लपका, मगर उन चीखों से शगुन उठा नहीं। उठा तब जब मैंने दोनों कंधे पकड़कर झिंझोड़ा, हड़बड़ाकर उठा वह, और जब मैंने बताया कि बाथरूम में किसी की लाश पड़ी है तो उसके भी छक्के छूट गए। बात समझ में आकर नहीं दे रही थी। वही कहा उसने, बाथरूम में लाश कहाँ से आएगी पापा? ऐसा कहकर वह बाथरूम की तरफ लपका था, मैं पीछे, और फिर हम खुले पड़े बाथरूम के दरवाजे पर स्टैचू बनकर खड़े रह गए थे। इस कदर की कुछ ना कुछ कहते बन पड़ रहा था ना हिलते डुलते। ये कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा कि कुछ देर के लिए तो पलके तक झपकने का इनकार करके हड़ताल पर चली गई थी। वह किसी लड़की की लाश थी, पिछली 4 लाशों की तरह पूरी तरह नग्न। टब में पड़ी थी वह, और टब अपने ठीक ऊपर चल रहे शावर के कारण लगातार पानी से भरता जा रहा था। एक जोड़ी मर्दाना कपड़े सिर के नीचे यूं लगे थे जैसे वह उनका तकिया बनाकर लेटी हो। कपड़ों को बगैर देखे हमने अनुमान लगा लिया कि वे रमेश भंसाली के होंगे। पेट पर यहाँ लिखा था। करीब 2 मिनट तक तो हमारी स्थिति स्टैचू वाली ही रही। फिर मैं सूट के मेन गेट की तरफ लपका, उसे खोलकर आंधी तूफान की तरह गैलरी में पहुंचा। विवाह के सूट के बंद दरवाजे को पागलों की तरह बड़बड़ा दिया। उस क्षण ये भी भूल गया था कि मुझे वैसा न करके कमरे के बाहर लगे बैल स्विच को दबाना चाहिए था। दरवाजे को बार बार बड़बड़ाने के बावजूद अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उस आवाज़ को सुनकर फ्लोर सिक्योरिटी का इंचार्ज ज़रूर दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसने पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मगर मैं भला जवाब देने की मानसिक अवस्था में कहाँ था। उसे इग्नोर करके दरवाजे को बड़बड़ाना जारी रखा तो वह बोला, ये आप क्या कर रहे हैं सर, वे रूम में नहीं है। मैंने भन्ना कर उसकी तरफ देखा, कहा, रूम में नहीं है जी, वे करीब 1 बजे कहीं चली गई थी। कहाँ, मैंने मूर्खाना सवाल किया। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ सर, मैं किसी कस्टमर से ये नहीं पूछ सकता कि वह कब कहाँ और क्यों जा रहा है। मेरा काम फ्लोर की गतिविधियों पर ध्यान रखना और सिक्योरिटी करना। सिक्योरिटी, मैं चीखा, क्या सिक्योरिटी करते हो तुम तो?
कोई हमारे बाथरूम में लाश डाल गया और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। पहले तो उसे मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, और जब हुआ, बल्कि कहना चाहिए कि करना पड़ा तो होश उड़ गए पट्टे के, उसी के क्यों समूचे स्टाफ के। देखते देखते नाइट मैनेजर तक हमारे कमरे में नजर आया। जो भी टब में पड़ी लाश को देखता उसी के होश फाख्ता हो जाते। आनन फानन में पुलिस को खबर की गई। यह सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह चोट कर रहा था कि रात के इस वक्त आखिर विवाह कहाँ गई। मैंने उसका मोबाइल मिलाया, स्विच ऑफ। दूसरा फ़ोन ये सोचकर गोपाल मराठा को किया कि हमारे स्वीट से लाश मिलने के कारण पुलिस कहीं हमें ही परेशान न करने लगी। सुनते ही उसके भी होश उड़ गए। उसने फ़ौरन पहुँचने के लिए कहा। उससे पहले विवाह आ गई। मेरा पहला सवाल था, कहाँ गई थी तुम? हत्यारे के दुसाहस की दाद देनी पड़ेगी। मेरे सवाल पर ध्यान दिए बगैर वह ऐसा कहती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई। स्टाफ ने उसे काई की तरह फटकर रास्ता दिया था। एकाएक वह ठिठकी, फिर ऐसा लगा जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रही। बोली, यहाँ तो बेहोशी की गैस छोड़ी गई है। मुझ सही सब चकराए। फिर उसने पूछा कि मुझे लाश के बारे में कैसे पता लगा। मैंने एक ही सांस में बता दिया। सुनकर बोली, तुम्हारी नींद शावर की आवाज़ से नहीं खुली, ऐसा होता तो काफ़ी पहले ही खुल जाती, क्योंकि शावर काफ़ी पहले से ऑन था। मेरा दिमाग काम कर रहा होता तो कोई सवाल भी करता। वही बोले चली गई, उससे पहले तक तुम स्वीट में फैलाई गई बेहोशी की दवा के प्रभाव में थे। बेहोशी टूटी तो जागे। मुझे याद आया, शगुन मेरे जोर जोर से चीखने के बावजूद नहीं उठाता, झंझोड़ने पर उठाता था। विवाह ने मुझसे पूछा, क्या तुम सिर में दर्द महसूस कर रहे हो? मैंने ध्यान दिया। उससे पहले ऐसी किसी बात पर ध्यान देने का होश ही कहाँ था, और पाया सचमुच सिर में भारीपन था। शगुन ने कहा, मेरे सिर में दर्द है आंटी। वह बगैर कुछ कहे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैं और शगुन पीछे लपके। तब तक टब पानी से लबालब भर चुका था, इतना ज़्यादा कि अब टब से बाहर निकलकर बाथरूम के फर्श पर बहने लगा था। रमेश भंसाली के कपड़े लाश के सिर के नीचे से निकलकर टब के पानी में तैरते नजर आ रहे थे। विवाह ने मैनेजर से कहा, पानी की सप्लाई बंद करा दो। जब तक वैसा हुआ, यानी शावर ने पानी उगलना बंद किया, तब तक संबंधित थाने की पुलिस और गोपाल मराठा भी पहुँच चुके थे। मराठा ने भी आते ही और लाश पर नज़र पड़ते ही कहा, हद हो गई विवाह जी, मैंने पहले कभी ऐसे हत्यारे के बारे में नहीं सुना जिसने लाश इन्वेस्टिगेटर्स के दरवाजे पर ही पहुंचा दी हो। ये तो एक तरह से हमें उसकी तरफ से खुली चुनौती है। मैंने वह बात कही जैसे बहुत देर से जज्ब किए हुए था, जैसे कह रहा हो कि लो मेरा अगला शिकार तुम्हारी छाती पर ही पेश है, पता लगाओ तो जानू कि मैं कौन हूँ। कैसी सिक्योरिटी है तुम्हारी होटल की? मराठा ने लगभग गुर्राते हुए मैनेजर से कहा था। कोई पूरी लाश को यहाँ बाथरूम में छोड़ गया और किसी को कानो कान खबर नहीं लगी? ऐसा मुमकिन है सर? मैनेजर गिड़गिड़ा उठा। हम इस वक्त फिफ्थ फ्लोर पर हैं। होटल के मेन गेट से यहाँ तक सिक्योरिटी के अनेक लोग तैनात रहते हैं। लिफ्ट का इस्तेमाल किए बगैर कोई यहाँ नहीं पहुँच सकता। लिफ्ट केवल 5 है और 5ों में ही 24 घंटे लिफ्टमैन मौजूद रहते हैं। उनके रहते किसी के यहाँ तक लाश के साथ पहुँचने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। लाश सामने पड़ी हो तुम कल्पना की बात कर रहे हो? मैनेजर ठीक कर रहा है मराठा। विभा जिंदल ने मैनेजर की जान बचाई। यहाँ की सिक्योरिटी पर मैंने भी ध्यान दिया। उस सबके रहते किसी लाश को यहाँ तक लाना असंभव है। मेरे ख्याल से होटल में बल्कि 5th फ्लोर तक यह अपने पैरों से चलकर आई थी। कत्ल इसी फ्लोर पर कहीं किया गया है। तो फिर इन्हें पता होना चाहिए कि यह कब और किस रूम में आई थी। इस स्वीट में तो होनी गई हत्या। जहाँ भी हुई है कम से कम वहाँ से तो यहाँ तक लाई गई है। फ्लोर के सिक्योरिटी इंचार्ज से पूछा जाए कि ऐसा कैसे हुआ। वहीं खड़े फ्लोर इंचार्ज के चेहरे पर हल्दी पुत गई। हत्या इसी स्वीट में बल्कि इसी बाथरूम में हुई है। कहने के साथ विवाह बाथरूम के अंदर दाखिल हुई और टब की जड़ में पड़ी एक सिरिंज को उठाती हुई बोली, और हत्यारा हमें यह बात समझाना भी चाहता है, तभी तो इसे यहाँ छोड़ गया। ओह माय गॉड, मेरे सारे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। हत्या भी ठीक उस ढंग से जिस ढंग से अवंतिका की गई थी। कहने के साथ उसने टब के पानी में हाथ डाला और एक खाली इंजेक्शन उठाती हुई बोली, इंसुलिन। पर यह है कौन? सवाल शगुन ने उठाया। बिरला दंपत्ति, अशोक बजाज और सुधा भंसाली की परिचित होनी चाहिए, विवाह ने कहा। बिरला दंपत्ति तो रहे ही नहीं। मराठा, अशोक और सुधा को फ़ोन करके यहाँ बुला लो। उस हरामजादे को तो मैं फ़ोन कर नहीं सकता। ओह हाँ, विवाह को जैसे अचानक ये बात याद आई कि अशोक के लिए मराठा के दिल में कितनी आग है, बोली, तुम सुधा भंसाली को फ़ोन करो, अशोक को तुम बुलाओ। वेद, हम दोनों अपने अपने मोबाइलों में उलझ गए। विवाह बाथरूम से निकलकर मुकम्मल स्वीट का निरीक्षण करने लगी थी। मुख्य रूप से मेन गेट के की होल का निरीक्षण किया उसने। उसी के बाद बोली, हत्यारे के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसकी मदद से उसने बेहोशी की गैस की होल के जरिए स्वीट में पहुंचाई। मास्टर की से लॉक खोलकर स्वीट के अंदर तब आया जब विश्वास हो गया कि तुम लोग बेहोश हो चुके हो, एक बार फिर मराठा ने कहा। लेकिन जब वह गैलरी में खड़ा ये सब कर रहा था, उस वक्त फ्लोर इंचार्ज क्या कर रहा था? जाहिर है कि हत्यारे ने यह सब उसे धोखा देकर किया।
और इसकी कीमत उसे कम से कम अपनी नौकरी गंवा कर चुकानी होगी। ये भी तो हो सकता है वह उससे मिला हुआ हो या किसी लालच में उसे इग्नोर किया हो। तुम अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर सकते हो, मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ये तो बता दो कि तुम कहाँ थी, मैंने पूछा। मैं एक ऐसी धमाकेदार खबर लेकर आई हूँ जो तुम्हारे दिमागों के परखच्चे उड़ा देगी, उसने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। उससे ज़्यादा परखच्चे और क्या उड़ेंगे जितने उड़ चुके हैं। मैं क्या उठा, क्या तुम समझ सकती हो कि ये सोच सोचकर हमारी क्या हालत हो रही होगी कि हत्यारा कमबख्त अपने शिकार सहित हमारे सूट में आया, हमारी मौजूदगी में हत्या करके चला गया। इसमें समझने की क्या ज़रूरत है, उसने मेरा मजाक सा उड़ाते हुए कहा। तुम बाप बेटों के चेहरे ही बता रहे हैं, घड़ी की दोनों सुइयां 12 से हटने को तैयार ही नहीं है। बहुत मर्डर वर्डर की कहानियाँ लिखते रहते हो, अब समझ में आया जब किसी के अगल बगल में मर्डर होता है तो क्या हालत हो जाती है। मैं उस धमाकेदार खबर के बारे में जानना चाहता हूँ, शगुन ने पूछा। रात के इस वक्त कहाँ गई थी आप, क्या खबर लाई? अशोक को आने दो, तुम्हारे दिमाग के साथ उसके दिमाग के भी तो परखच्चे उड़ाने हैं। वह तो फ़ोन पर मिल ही नहीं रहा है, मैंने कहा। अरे पहले क्यों नहीं बताया, तुम मौका ही कहाँ दे रही हो, मोबाइल नहीं मिल रहा, स्विच ऑफ है, रेजिडेंस पर उसके पापा ने उठाया, मैं बताता चला गया। पहले बोले कि अभी जगा कर बात कराते हैं, फिर करीब 5 मिनट बाद उनकी हड़बड़ाहट बड़ी चिंतित आवाज़ सुनाई दी। वह तो अपने कमरे में है ही नहीं मिस्टर वेद, मैंने पूछा कहाँ है तो कहने लगे हमें तो खुद नहीं मालूम, समझ में नहीं आ रहा कि रात के इस वक्त इस तरह कहाँ चला गया। तुमने क्या कहा? इसके अलावा और क्या कह सकता था कि जैसे ही मिले सीधा महाराजा होटल चला आए या फ़ोन पर मुझसे बात करे। एकाएक विवाह काफ़ी चिंतित नज़र आने लगी थी। क्या हुआ विवाह जी, गोपाल मराठा ने पूछा। विवाह ने जवाब देने की जगह तेज़ी से अपने मोबाइल पर कोई नंबर पंच किया और संबंध स्थापित होते ही कान से लगाती हुई तेज़ आवाज़ में बोली, अशोक बजाज कहाँ हैं? शायद ये कहा गया कि अपने कमरे में, तभी तो उसने रोज भरे स्वर में कहा। नहीं वह कमरे में नहीं है, दूसरी तरफ से शायद हैरानी प्रकट की गई। अगर वह तुम्हारी नज़रों में धूल झोंक कर गायब हुआ है तो जाहिर है कि उसे अपनी निगरानी किए जाने का आभास हो गया था, उसे तलाश करो, ये बहुत ज़रूरी है। कहने के बाद उसने जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर कनेक्शन काट दिया। मामला क्या है विवाह, मैं पूछे बगैर ना रह सका, तुम क्यों उसकी निगरानी करा रही थी और वह क्यों गायब हो गया? मैं तो हो ही गई हूँ, तुम दोनों भी सावधान हो जाओ, उसने मेरी और शगुन की तरफ देखते हुए कहा। हम लोगों पर हमला हो सकता है और वह हमला कातिलाना भी हो सकता है। मेरे सारे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई, मुंह से निकला ये तुम क्या कह रही हो? दुश्मन को पता लग गया है कि मैं क्या धमाकेदार खबर जुटा चुकी हूँ, शायद उसी वजह से वो बौखला गया और बौखलाहट में ऐसा शख्स इन्वेस्टिगेटर्स को नुकसान पहुँचाने वाला कदम उठाता है। वो धमाकेदार खबर, सवाल ये है कि उसे पता कैसे लगा, बड़बड़ाकर जैसे वह खुद ही से सवाल कर रही थी। फिर गोपाल मराठा की तरफ देखती हुई बोली, इसका मतलब वह मेरे आसपास है। हमारी समझ में नहीं आ रहा बेबाजी कि आप क्या कह रही हैं, वह भी हम जितने ही हैरान नज़र आ रहा था। यदि आप अपनी अपने दोस्तों की जान को खतरा महसूस कर रही हैं तो आपकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम कराए देता हूँ। नहीं मराठा, विवाह इतनी कमज़ोर नहीं है कि सिक्योरिटी की ज़रूरत महसूस करे, और ना ही सिक्योरिटी के बहाने मैं किसी को अपनी गतिविधियों पर नज़र रखने की परमिशन दे सकती हूँ। पर बात क्या है कुछ बताइए तो सही, वक्त आने पर बताऊँगी, अभी तो सुधा भंसाली को आने दो। कहने के बाद उसने पूछा, उसका फ़ोन तो मिल गया था ना? हाँ, मराठा ने केवल इतने ही कहा, वह आ रही है। सुधा अपने ससुर यानी भैरव सिंह भंसाली के साथ आई। लाश पर नज़र पड़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में चीख कर कहा था उसने, ये तो किरण है। किरण? विवाह कह उठी, यानी किरण सिंघानिया? अपने ससुर से लिपटकर वह बड़ी मुश्किल से हाँ में गर्दन हिला सकी। उस वक्त इतनी ज़्यादा आतंकित नज़र आ रही थी जितनी रमेश भंसाली की लाश पर भी नहीं थी। भैरव सिंह भंसाली उसे छाती से लगाए बाथरूम से दूर ले गए। विवाह जिंदल ने जब उससे धीरज सिंघानिया का नंबर पूछा तो अपनी वर्तमान हालत के कारण बड़ी मुश्किल से याद करके बता सकी। विभा ने यह नंबर अपने मोबाइल पर पंच किया। कॉल केवल एक बार बेल जाने पर रिसीव की गई। कहा गया, धीरज यार तुम्हारी मिसेस कहाँ हैं? विभा ने सीधा सवाल किया। जी, चौंका हुआ सर, क्या मतलब? विभा ने कड़क आवाज़ में कहा, जो पूछा गया है वो बताओ। मैं तो खुद ही उसके लिए परेशान हूँ, डांस फ्लोर पर डांस करते करते पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कौन से डांस फ्लोर से? इस वक्त तुम कहाँ हो? होटल महाराजा के डिस्कोथेक में। ओह, विभा ने कहा, फ़ौरन 5th फ्लोर पर आ जाओ। क्यों? हड़बड़ाकर पूछा गया। आप कौन है? पुलिस की एक इन्वेस्टिगेटर, विभा ने बहुत ही जल्दबाजी में कहा था, और किरण इस वक्त यहीं है। क्या हुआ है? यहाँ आने पर पता लग जाएगा। कहने के बाद विभा जिंदल ने कनेक्शन काट दिया। फुर्सत मिलते ही उसकी आंखें सुधा बंसाली पर स्थिर हो गई। बोली, मैं एक बार फिर वही कहूँगी सुधा जो कल भी बार बार कहा था, कम से कम अब तो तुम्हें इस बात पर यकीन कर ही लेना चाहिए कि कोई है जो चुन चुन कर तुम्हारे ग्रुप के लोगों की हत्या कर रहा है। पहले रतन, फिर अवंतिका। कितनी बार कहूँ कि वे हमारे ग्रुप में नहीं थे। वह दहशत ज़दा अंदाज में चीखी थी। आप यकीन क्यों नहीं कर रही?
कि उनसे और कपाड़िया से हमारा कोई संबंध नहीं था। उस वक्त मैंने विवाह के होठों पर ऐसी मुस्कान थिरकती देखी जैसे उसे मालूम हो कि सुधा बंसाली झूठ क्यों बोल रही है, मगर मुंह से बहुत ही तीखी आवाज़ निकली थी। चांदनी तो थी तुम्हारे ग्रुप की, रमेश भंसाली तो तुम्हारा पति था, और ये जो बाथरूम में मरी पड़ी है, इसी के यहाँ तो हुआ था तुम्हारा गेट टुगेदर। वह तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मगर ये नहीं बता रही कि इनकी हत्याएं क्यों हुई। मुझे नहीं पता, पता होता तो मैं ही हत्यारे को नोच कर नहीं खा जाती। उसने मेरे पति को मारा, तब मैं तैरते कपड़े पहचान लिए ना तुमने। कपड़े रमेश के हैं, तुम्हारे पति के। सुधा शंगा शून्य सी अवस्था में विवाह को देखती रह गई। प्लीज़ विवाह जी, भैरव सिंह भंसाली क्या उठा? इस वक्त इससे और सवाल मत कीजिए, मुझे डर है कि कहीं ये बात अधूरी थी कि दो पुलिस वाले एक नौजवान को साथ लिए सीट के अंदर आए। वह बदहवासी किसी हालत में था, वहाँ कदम रखते ही पूछने लगा, कहाँ है मेरी किरण? धीरज, सुधा भंसाली उसे देख कर कह उठी। उसके ये कहने से पहले ही सब समझ चुके थे कि वही धीरज सिंघानिया। सुधा को वहाँ देखकर उसके चेहरे पर चौंकने के भाव उभरे। विभा उन दोनों को बहुत ही दिलचस्प नज़रों से देख रही थी। धीरज ने पूछा, क्या हुआ है सुधा? उसने किरण को भी मार डाला धीरज, एक ही झटके में सुधा के धैर्य का बांध टूट गया। किरण को भी मार डाला उसने। किसने मार डाला? विभा ने तुरंत बात पकड़ी। वह सुधा के दोनों कंधे पकड़कर झिझोड़ती हुई बोली, यही तो पूछ रही हूँ मैं बार बार, कौन कर रहा है ये हत्याएं? हमें नहीं मालूम, धीरज बोला। इसी बात ने तो हमारा दिमाग ख़राब कर रखा है, पहले चांदनी, फिर रमेश, और अब तुम लोग कह रहे हो कि उसने किरण को भी। कहाँ है किरण? मैंने तुमसे नहीं सुधा से पूछा मिस्टर धीरज, तेज़ी से कहने के बाद विवाह एक बार फिर सुधा की तरफ मुखातिब हुई। अभी तुमने कहा कि उसने किरण को भी मार डाला, मैं ये पूछ रही हूँ किसने, किसके बारे में बात कर रही थी तुम? सुधा कहती चली गई। मैं, किरण, धीरज और अशोक शुरू से इस सवाल में उलझे हुए हैं। हमें इस सवाल ने परेशान कर रखा है कि ऐसा कौन कर रहा है, और अब उसने किरण को भी मार डाला। वही तो कहा मैंने धीरज से। चलो मान लेती हूँ कि तुम्हारा हत्यारे का नाम पता नहीं होगा, तुम भी उसके बारे में जानने के लिए उतने ही उत्सुक होगे जितने हम हैं, लेकिन ये इल्म तो होगा कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों चुन चुन कर तुम्हारी ग्रुप के लोगों को मार रहा है? एक बार फिर उसने यही कहा, रतन और अवंतिका हमारे ग्रुप के नहीं थे, हमारी उनसे कभी कोई दोस्ती नहीं रही। क्यों मिस्टर धीरज, क्या सुधा ठीक कह रही है? सुधा ने फ़ोन पर मुझे ये भी बताया था कि आप बार बार रतन, अवंतिका, संजय और मंजू कपाड़िया को हमारे ग्रुप का कह रही हैं, लेकिन ये गलत है, हमारी उनसे कभी कोई दोस्ती नहीं रही। तो फिर ये सवाल नहीं उठा तुम्हारे दिमाग में कि जिस तरह से रमेश की हत्या की गई उसी तरह से रतन और अवंतिका की क्यों की गई? अवंतिका के कपड़े चांदनी की लाश के साथ क्यों पाए गए? रमेश ने चांदनी के पापा को क्यों किडनैप कराया? क्यों उसने चांदनी को रतन की लाश लेकर छंगा भूरा के पास भेजा? ये सभी सवाल उठे बेबाजी, लेकिन यकीन मानिए जवाब एक का भी नहीं है हमारे पास, धीरज सिंघानिया ने कहा। बहुत सुना है आपके बारे में, आप खोज पाएँ, आप इन गुत्थियों को सुलझा पाएँ, आप हत्यारे को पकड़ पाएँ तो हम आपके बहुत एहसानमंद होंगे। तुम लोगों का सहयोग मिले तो ये काम जल्दी हो सकता है। हमें तो खुद समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या सहयोग करें, अनुमान तो लगा सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। खूब सोच चुके हैं लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा कि ऐसा हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो इस तरह से बदला लेगा। लाशों के कपड़े क्यों उतारता है वह? मैंने पूछा। उन्हें अगली लाश के पास क्यों छोड़ता है? काश हमें पता होता। लाशों के पेट पर लिखे से कोई अनुमान लगाओ, शगुन ने कहा। रतन की लाश पर उसने क्यों लिखा था? अवंतिका की लाश पर कि वो, रमेश की लाश पर वी, चांदनी की लाश पर बी, और अब किरण की लाश पर यहाँ लिखा है, क्या मतलब हुआ इसका? इस तरह से लाशों पर लिखकर वह क्या कहना चाहता है? जब आप जैसे लोग पता नहीं कर पा रहे तो हमें क्या और कैसे पता लग सकता है? हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे कोई पीछे पड़ गया है। विभा ने अनोखा सवाल किया, क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि जिसने चांदनी, रमेश और किरण की हत्याएं की हैं वह तुम लोगों का भी यही अश्र करने की कोशिश कर सकता है? लग तो रहा है, धीरज बोला, अब तो लग रहा है, फिर भी नहीं बता रहे कि ये सब क्यों हो रहा है। आप बार बार एक ही बात पूछ रही हैं, कैसे यकीन दिलाएं कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते? विभा के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे समझ गई हो कि चाहे जितनी कोशिश कर ली जाए वे टूटने वाले नहीं हैं। उसने मराठा को इशारा किया। मराठा धीरज सिंघानिया का बाजू पकड़कर उसे बाथरूम की तरफ ले गया। किरण की लाश को देखकर उसके चेहरे पर वेदना से ज़्यादा खौफ के भाव उभरे थे। चीखा या रोया पीटा नहीं था वह, शायद इसलिए क्योंकि पहले ही समझ चुका था कि बाथरूम में उसे कोई ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा। लाश को यूँ देखता रह गया था वह, जैसे शून्य में निहार रहा हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं क्योंकि वो बीवियाँ बदलते थे के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।